बताओ भाई, प्यार से बताओ कमेंट करके कि कौन सी बाइक से अपन बिहार राइड करें, अपनी रैम से करें या फिर अपनी गॉडजिला से करें। कमेंट करके बताओ भाई बिहार के किस किस शहर से आप लोग हो और जहाँ से भी हो वहाँ पे जाएंगे भाई अपन, एंड साथ में भाई राइड भी करेंगे। अभी लोग पटना से वीडियो देख रहे हैं भाई, कमेंट करके बताओ भाई हम लोग एग्जैक्ट किस जगह पे, ये कौन सा रोड है। बाकी आप लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में देख सकते हो हर तरफ कंप्यूटर का ही शॉप है। अपनी भाई ये टूट गई है, चेक करो रैम की भाई, ये टूट गई, इसीलिए भाई मैं पिलियन नहीं बैठा था, पिलियन बैठते क्योंकि पता नहीं भाई ये बहुत कमजोर है आर1 5 का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, एंड भाई आज अपनी रैम को लेकर निकल रहे हैं भाई। आज अपने साथ कोई भी राइडर नहीं है, आज अकेले जा रहे हैं क्योंकि फिलहाल अपना हर्ष ना वेट कर रहा है मरीन ड्राइव के पास। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ ये निकल गई भाई अपनी रैम बिना भाई, मतलब छोटी से छोटी जगह में निकल जाते हैं बिल्कुल। तो हमने जैसे कि लास्ट ब्लॉग में आपको बताया था कि बाइक को अनड्रैप करना है, बट अनड्रैप से पहले मैं ये सोच रहा हूँ ना कि इसके साथ कुछ और करा जाए, मतलब कुछ अलग टाइप का कुछ और इस पर कस्टमाइज़ किया जाए। तो वही मैं कन्फ्यूज चल रहा हूँ, पहले एक बार डिसाइड कर लूँ उसके बाद अनड्रैप करूँगा, वरना क्या ना फिर स्टॉक करके ना वो मज़ा नहीं आएगा। स्टॉक भी अगर करेंगे ना तो बाइक को एक डिटेलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम हो चुका है, बाइक को हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चला रखा है, देख सकते हो 10,700 किलोमीटर चल चुकी है। एंड रोड ट्रिप वगैरह भी हमने किया इस बाइक पर, उसके बाद तक इस बाइक के ऊपर थोड़ी भी मतलब प्यार नहीं दिखाई गई है, तो थोड़ा प्यार दिखाया जाएगा इस बाइक पे अपने को। एंड क्या देख रहा भाई, भाई सबसे बड़ी परेशानी है ना भाई शाम को निकलो, इतनी ट्रैफिक मिलती है हर तरफ, बाइक राइड करने का मन सा उतर जाता है। अभी देख लो उस तरफ फुल रश है, तो अभी हर्ष भाई लोग वेट कर रहे हैं, एंड बाकी एक और बाइक है वहाँ पे, तो पहले वहीं पहुँचते एंड उसके बाद दिखाते भाई क्या सीन होने वाला अभी का। बाकी जो कह लो यार, जैसे ही ना आप भाई यहाँ पे सिग्नल वगैरह है नहीं, बट आगे चल के ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक मिल सकती है एज ऑलवेज। आज काफ़ी टाइम के बाद ना भाई मैंने हेलमेट में इंटरकॉम माउंट किया है, तो आई होप कि अभी जो म्यूज़िक चल रहा है बैकग्राउंड में थोड़ा थोड़ा वो आपको भाई माइक में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि माइक ना बिल्कुल एकदम क्लोज टू द स्पीकर है, इंटरकॉम के जो स्पीकर्स है ना उसके एकदम क्लोज टू है। बट भाई वॉल्यूम हमने पूरा स्लो कर रखा है, जैसे भाई मतलब देखो बेसिकली इंटरकॉम में ही फ़ोन वोन कॉल अटेंड करने के लिए काफ़ी सही है, और अब गर्मी आ गई तो अपनी रेगुलर राइड होते रहेगी भाई। 80 सेकेंड्स भाई ट्रैफिक, तो अभी सीन ये है भाई कि हर्ष जा रहा है आउट ऑफ पटना, तो उसका ना भाई ट्रेन थोड़ा लेट है, तो वो मरीन ड्राइव पे ऐसे ही निकल गया था, तो वो बोल रहा है भाई थोड़ा आ जाते हैं हम लोग कहीं चलते थोड़ी देर उसके बाद, क्योंकि ट्रेन में अभी इसके लगभग अभी कितने बज रहे भाई 6:30, 3 या 2 घंटे और लेट है ट्रेन। अगर यहाँ पे ट्रैफिक ना मिले ना तो आपकी किस्मत अच्छी है समझ लो, बट अपनी किस्मत कहाँ अच्छी होती है भाई, हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अभी देखो भाई हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है, इतनी सारी जब बाइक्स होती है ना आपके पास गैराज में, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम किसी ना किसी बाइक में आती रहती है, बट फिलहाल अपने किसी बाइक में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको हमने बहुत ही प्यार से रखा है, सारा ओके रिपोर्ट है भाई, मतलब कोई परेशानी नहीं है, किसी बाइक को भी लेकर कहीं भी निकल जाओ राइड पर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ना सोच रहा हूँ भाई वैम से ना कहीं राइड किया जाए, बट उससे पहले भाई अपन भाई बिहार में ना बहुत तगड़ा मस्त राइड करने वाले, तो बस ये कन्फ्यूजन चल रहा है गॉडजिला से की जाए वैम से की जाए। आप लोग बताओ भाई प्यार से बताओ कमेंट करके कि कौन सी बाइक से अपन बिहार राइड करें, अपनी वैम से करें या फिर अपनी गॉडजिला से करें, क्योंकि देखो ज़ारा में क्या सीन है ना भाई, वो बाइक काफ़ी छोटी है एंड उस पर ना भाई मतलब सामान वामान रखने का काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, दिक्कत तो इस पर भी और गॉडजिला पे भी है, बट समहाउ आई विल मैनेज, बट उस बाइक पे तो भाई बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, बहुत दिक्कत होता है, और मैं नहीं चाहता भाई एक्स्ट्रा कैरियर वगैरह लगाकर भाई लगेज ले जाना, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा फिर बल्कि हो जाता है, राइड में मज़ा नहीं आता वैसे करने पर। कमेंट करके बताओ भाई बिहार के किस किस शहर से आप लोग हो और जहाँ से भी हो वहाँ पे जाएंगे भाई अपन, एंड साथ में भाई राइड भी करेंगे, तो कुछ ऐसा प्लान अपना होने वाला है फिलहाल, तो आप लोग बस स्टे ट्यून रहना भाई, जो भी अपने भाई लोग देख रहे हैं भाई बिहार के किसी भी कोने से, तो भाई फुल प्रिपरेशन हो रही है, बस मोस्ट प्रोबेबली होली के बाद अपन राइड स्टार्ट कर देंगे। अभी होली है तो आप सबको पता भाई हर तरफ काफ़ी ज़्यादा सब लोग बिज़ी रहेंगे, मैं भी खुद बिज़ी रहूँगा भाई, क्योंकि घर में फेस्टिवल वगैरह होता है ना, तो उस टाइम भाई घर पर रहना होता है, बाकी टाइम कहीं भी घूम लो, बट भाई फेस्टिवल के टाइम ना घर पे आ जाया करो, ऐसा भाई हर इंडियन पेरेंट्स का कहना होता है। भाई ये दूर से ना दिखने में लगी नहीं रही थी जैगुआर है, मेरे को लगा हैरियर है, सीरियसली बता रहा हूँ, बस पास से आके पता चल रहा है जैगुआर एफ पेस। फाइनली गाइस आ चुके हैं अपन यहाँ पे, एंड आगे भाई लोग वेट कर रहे हैं अपना,
गर्मी तो भाई अभी से ही आ चुकी है, देख लो भाई प्रॉपर गर्मी आ चुकी है। होली के बाद क्या होगा एंड स्पेशली भाई अप्रैल मई के बाद क्या होने वाला है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाली इस बार गर्मी होने वाली है। तो आप लोग सब प्रिपेयर रहना भाई इस गर्मी को झेलने के लिए, क्योंकि अगर आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे ना भाई तो आप किसी भी वेदर कंडीशन को झेल सकते हो। बहुत लोग के अंदर ये होता है भाई प्रिपेयर नहीं रहते, ऑल ऑफ सडन आ जाता है, फिर तबीयत ख़राब हो जाती है लोगों की। जब भी अपन राइड पे जाते हैं ना तो बहुत जल्दी मतलब क्लाइमेट चेंज होता है, कहीं पे बहुत ठंड रहती है, कहीं पे नॉर्मल रहती है, कहीं पे धूप होती है, तो मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है भाई। हाँ हम लोग इस जगह जा रहे हैं यहाँ पे ठंड होगी, इस जगह जा रहे हैं यहाँ पे गर्मी होगी, तो जब आप मेंटली प्रिपेयर रहते हो तो भाई कोई परेशानी नहीं होती है। और अपने को उससे पहले भाई बंगाल भी जाना है, और बंगाल क्यों जाएंगे क्या जाएंगे वो आप लोग को अपडेट दे दूँगा जल्दी। मोस्ट प्रोबेबली होली से पहले अपने को जाना कोलकाता, तो भाई कोलकाता बहुत ही जल्द प्लान हो रहा अपना। फिलहाल अभी आ चुके हैं यहाँ पे भाई, आगे वेट कर रहे होंगे भाई लोग, जल्दी से पहुँचते हैं उनके पास पहले। तो हम लोग चल रहे हैं भाई, भूख लगी है काफ़ी तेज, ये बोल रहा मुझे स्टेशन भी जाना है, तो हम लोग सोच रहे हैं कुछ खा पी के फिर इसको स्टेशन ड्रॉप कर देंगे। बाकी अभी ये चेक करो भाई, यहाँ पे ना स्ट्रीट लाइट जलते ही नहीं है भाई, कोई मतलब ही नहीं है स्ट्रीट लाइट लगाने का, क्या फ़ायदा जब जलते ही नहीं है भाई। पता नहीं कहाँ पैसा बचाया जा रहा है भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल में। टैक्स तो हमें पूरा लिया जाता है भाई, चलान भी पूरा काटा जाता है, तो रोड पे भाई लाइट्स क्यों नहीं रहते, इसका जवाब भाई चाहिए अपने को। ये देखो हर तरफ का स्ट्रीट लाइट ऑफ है, भाई R15 की स्टॉक लाइट ना इतनी मजबूत नहीं कि इसको लेकर कहीं जा सके इंसान। भाई मैं जब सिक्किम गया था ना तो भाई सीरियसली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है इसकी लाइट की वजह से। वो तो अपने साथ दो बाइक्स थी जिसमें भाई एक्स्ट्रा लाइट्स लगे पड़े थे, डोमिनार एंड ड्यूक में, क्योंकि हंटर में भी नहीं था और इसमें भी नहीं था, तो भाई हम दो बाइक उन दो बाइक के सहारे चल रहे थे। चलो चलो आज ना ऐसी जगह पर चल रहे ना खाने जो भाई थोड़ा अंडर रेटेड है, बट भाई इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और भाई ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, तो प्लीज़ ये मत सोचना कि पेड प्रमोशन करने जा रहा भाई, स्ट्रीट फूड खाने जा रहे हैं, बट काफ़ी अच्छा रहता है वहाँ का भाई, तो वहीं चल रहा है आपको भी दिखाएंगे। अभी लोग पटना से वीडियो देख रहे हैं भाई, कमेंट करके बताओ भाई हम लोग एग्जैक्ट किस जगह पे, ये कौन सा रोड है। बाकी आप लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में देख सकते हो हर तरफ कंप्यूटर का ही शॉप है, तो जो लोग समझदार है उनको ज़रूर पता होगा, बाकी जो लोग घर में रहते हैं घर से नहीं निकलते हैं उन्हें नहीं पता होगा, तो कमेंट करके देख लेना भाई, लोग कमेंट कर ही देंगे भाई। यहाँ पे जैसे रुके अभी, और अपनी भाई ये टूट गई है, चेक करो वैम की भाई ये टूट गई, इसीलिए भाई मैं पिलन नहीं बैठा था, पिलन बैठते क्योंकि पता नहीं भाई ये बहुत कमज़ोर है R15 का, ये भाई जैसे उतरा और ये टूट गया, ये चेक करो। अभी भाई रैप तो उतारना ही है तो इसको भी चेंज करा लेंगे, इसकी वजह से ना ये पूरा पैनल चेंज होगा, वो तो अच्छा है भाई एक साइड ही होगा, वरना पता चला दोनों साइड कराना होता। अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे सैंडविच खाने भाई, क्या खाओगे भाई हर्ष भाई, कितना सैंडविच भाई, दो सबके लिए, दो दो सैंडविच खाएंगे सब लोग, एक 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 में सब खाएंगे, नहीं भाई दो दो, दो दो क्यों खाएंगे, आज आज हर्ष भाई हमको खिला रहा, एक में नहीं होगा भाई, दो दो इनके लिए दो कर दीजिएगा, ये बस बस बस, कभी कभी लड़का ना खुश हो जाता है ना। स्टीवन भाई वेयर इज योर ड्यूक ब्रदर, हेयर वेयर भाई, पैनल टूट गया ना, हां भाई ये चेक करो कैसे, माय पैनल गॉट ब्रोकन, स्टीवन तोड़ दिया क्या भाई, बेचारा उतरा टूट गया इस पर थोड़ा गलत गलत क्या भाई, इसके साथ दिक्कत है, आरुण भाई के साथ दिक्कत लग रहा है, पहले से भी चिपकाया हुआ था, पहले चिपकाए थे यस, इसको जब वहाँ पे रैप हो रहा था ना तो उस टाइम उनसे भी हुआ था, इसको चिपकाए थे, बट अब ये जा चुका है तो इसको चेंज ही करा देंगे, पूरा इसको चेंज करा देंगे, नया ब्रांड ही न्यू, रैप भी तो हटा नहीं था, देखो इसी बहाने अब रैप भी हट जाएगा क्या, लेकिन भाई तुम जा रहे हो दिल से बहुत बुरा लग रहा है, मत जाओ यार, आ जाऊंगा जल्दी, आ जाऊंगा, कितने दिन में आएगा भाई, तीन चार दिन में आ जाऊंगा, तीन चार दिन जल्दी होता है भाई, क्यों जा रहे हैं, हाँ क्यों जा रहे हो भाई, इसका रीजन नहीं बता रहे हो भाई, क्यों जा रहे हो भाई इसका रीजन, इतना हंसते हंसते कौन काम करता है भाई, रीजन बता के जाओ, रीजन काम है, इमोशनल इमोशनल भाई, यही सैंडविच पॉइंट पे आए भाई, अभी आपको मैं दिखाता हूँ भाई कौन सी सैंडविच खाने वाले हम लोग भाई, वेज सैंडविच हमने खा लिया, अभी चॉकलेट सैंडविच खा रहे हैं भाई, और इतना ज्यादा चॉकलेट है सबके मुंह पर, देखो चॉकलेट चॉकलेट हो गया बहुत ही ज्यादा चॉकलेट है, चेक करो भाई। A few moments later. तो हमने हर्ष भाई को ड्रॉप कर दिया स्टेशन एंड अभी चल रहे हैं वापस घर की तरफ। भाई लोग आज का जो दिन था ना काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था, सुबह से ना मतलब इतनी ज़्यादा कड़ी धूप, इतनी गर्मी थी यार, कहीं निकलने का मन नहीं कर रहा था। शाम को हमने सोचा था भाई इसको हटा देंगे जो भी इसकी रैप वैप है, बट आप सबको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कुछ इसका ना सब्सटीट्यूट ढूंढना पड़ेगा, कुछ
या तो फिर पूरा ब्लैक स्टॉक कर दूंगा। अगर आप लोग चाहते हो स्टॉक कर दो तो स्टॉक के लिए भी भाई कमेंट करके बता दो कि इसके रैप को हटा के पूरा का पूरा बाइक स्टॉक कर दूँ। तो यार हर तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। मैं सोच रहा हूँ अभी घर चलता हूँ, ज़्यादा इधर उधर करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ट्रैफिक में ना भाई बहुत दिक्कत होती है बाइक राइड करने में। अभी जैसे जैसे टर्न करेंगे ना ये चेक करो भाई पूरा ट्रैफिक जाम लगा पड़ा है। मुझे पता था भाई यहाँ पे कुछ भी कर लो ट्रैफिक मिलना ही मिलना है। तो गाइस तो फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं भाई कार के अंदर एंड अभी प्लान चल रहा है कि भाई गेड़ी मार के आते हैं। बाइक वगैरह हमने लगा दिया है क्योंकि भाई बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी एंड अभी टाइम आप चेक कर सकते हो भाई रात के लगभग बज रहे 10:30। तो अभी सही है भाई थोड़ा ट्रैफिक भी कम होगा आराम से घूम भी पाएंगे। तो भाई इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी एंड भाई हमने फ्लैश में भी कुछ मॉड्स कराने का सोचा है वो भी आपको बहुत जल्द बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राइड सेफ एंड राइड हार्ड।